बीच गुवाहाटी में कोरोना महामारी का सामुदायिक प्रसार भयंकर रूप ले रहा है। शहर से बगैर ट्रैवल हिस्ट्री के रोज नए मामले सामने आ रहे हैं। आलम यह है कि अकेले गुवाहाटी मेट्रो से ही 400 संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं, जबकि करीब 200 इलाके कंटेनमेंट जोन घोषित किए गए हैं। गुवाहाटी में सामुदायिक संक्रमण, फटासी लामबाड़ी, पांडू, फैंसी बाजार, धीरेनपाड़ा, शराब भट्टी बने हॉटस्पॉट। बगैर ट्रैवल हिस्ट्री के नए मामले आ रहे हैं सामने। कंटेनमेंट जोन की भी बढ़ रही है संख्या। चिकित्सक, पुलिस कर्मी भी कोरोना की चपेट में। पूर्वोत्तर के प्रवेश द्वार गुवाहाटी की स्थिति लगातार चिंतनीय होती जा रही है। बगैर ट्रैवल हिस्ट्री के यहां रोज नए मामले सामने आ रहे हैं। शहर के फटासील, आठगांव, पांडू, फैंसी बाजार, धीरेनपाड़ा सहित कई इलाके कोरोना के हॉटस्पॉट के रूप में तब्दील हो चुके हैं। आप स्थिति की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि शहर में संक्रमितों का आंकड़ा 400 के पार हो चुका है, जबकि कंटेनमेंट जोन की संख्या करीब 200 तक बढ़ गई है। धीरेनपाड़ा में एक ही परिवार के 4 लोगों में कोरोना का संक्रमण पाया गया, लेकिन इनमें से एक की भी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। बगैर ट्रैवल हिस्ट्री के लगातार संक्रमितों के मामले सामने आना सामुदायिक संक्रमण की गंभीर स्थिति को बयान करता है। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने की कोशिशों में लगे पुलिस वालों को भी महामारी की मार झेलनी पड़ रही है। गुवाहाटी में पुलिस कर्मी भी लगातार संक्रमित पाए जा रहे हैं। पान बाजार थाने के 3 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 2 पुलिसकर्मी और 1 होमगार्ड के शरीर में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। पुलिस कर्मियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद थाने को सैनिटाइज किया गया है। स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम के कर्मचारियों ने थाने और आसपास के इलाके को सैनिटाइज किया। वहीं थाने के कई पुलिस कर्मियों को क्वारंटीन किया गया है। इसके अलावा थाने के आसपास के स्थानीय लोगों को भी क्वारंटीन किया गया है। আমার আৰক্ষীৰ মানে হাবিলদাৰ এজনি এই ওপৰ মহলত থাকে, তেওঁ থানা আণ্ডাৰতে ডিউটি কৰে থাকে, তেখেতৰ হে মানে COVID-19 ধৰা পৰিছে। ইয়াত 4টা কৈ 4টা ভিতৰত 16 ঘৰ আছে, 16টা আছে, হয় 16 ঘৰ থাকে। ऐसे हालात में भी लोग हैं कि समझने को तैयार नहीं। बाजारों में भीड़ से सामुदायिक संक्रमण का खतरा और बढ़ने लगा है। लोग शारीरिक दूरी का पालन तो कर ही नहीं रहे हैं, बिना मास्क के भी घूमते हुए नजर आ रहे हैं। अगर अभी भी लोग नहीं संभले तो आने वाले दिनों में परिस्थिति क्या होगी, इसकी अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नॉर्थ ईस्ट लाइव।